नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश कलाल और आप देख रहे हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट इंडिया चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ऑनलाइन एडिकोड का रजिस्ट्रेशन कैसे होता है। पर वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आप लोगों को मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। इससे होगा क्या कि फ्यूचर में हम जो भी नया वीडियो बनाएंगे उसका अपडेट आपको यूट्यूब की तरफ से मिल जाएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना ना भूले। तो चलिए चलते हैं मेरे डेस्कटॉप पर और मैं आपको दिखाता हूँ कि एडिकोड का रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन कैसे करना है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय डेस्कटॉप एंड चालू करते हैं हम अपना वीडियो। अगर थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आए, थोड़ा बार का साउंड आए तो उसके लिए माफ़ कर देना, क्योंकि घर के बाहर कंस्ट्रक्शन का काम चालू है। ओके गाइस, सबसे पहले तो आप ओपन कर लीजिए अपना ब्राउजर। ब्राउजर में टाइप कीजिए आइस गेट वेबसाइट। ओके, ये वेबसाइट आप ओपन करेंगे तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने मिलेगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वेबसाइट है एक्सपोर्टर और इम्पोर्टर के लिए। एक बार आपका कार्गो क्लियरेंस में आ जाता है उसके बाद आप यहाँ से सब कुछ ट्रैक कर सकते हो। इवन आफ्टर एक्सपोर्ट भी आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिल सकती है, जैसे कि जीएसटी क्वेरी, ड्रॉबैक की क्वेरी वगैरह आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वेबसाइट है, फिर से नोट करना, आइसगेट वेबसाइट एक्सपोर्टर्स एंड इम्पोर्टर्स के लिए। अब इसमें हम देखेंगे कि एडिकोड का रजिस्ट्रेशन कैसे करना है ऑनलाइन। तो दूसरी एक वेबसाइट अपने ओपन कर लेते हैं, www.exportimportindia.in। ये मेरी वेबसाइट है, ये मैंने यहाँ पे आर्टिकल लिखा हुआ है, हाउ टू रजिस्टर एडिकोड ऑनलाइन ऑन आइस गेट। ओके, ये अपनी पोस्ट खुल गई है और जिस किसी को वीडियो अगर फास्ट लगे तो यहाँ पे जाके प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप मैंने बताया हुआ है, तो वो यहाँ पे फॉलो कर सकता है। ओके, सो दूसरी एक बात, वीडियो शुरू करने से पहले हम ओपन कर लेते हैं ये जो सोर्सेस है। ओपन लिंक इन न्यू टैब एंड ओपन लिंक इन न्यू टैब। अभी एडिकोड रजिस्ट्रेशन कुछ कुछ जगह पे चालू हो गया है और कुछ जगह पे थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है। तो अभी जो नावा सेवा में जो चालू हुआ है उसका नोटिफिकेशन मेरे पास पड़ा हुआ है और धीरे धीरे पूरे इंडिया में हो जाएगा और शायद हो चुका होगा। ओके, ये नोटिफिकेशन है। ओके, इसमें हम बात करेंगे तो हमारे पास ये नोटिफिकेशन मिल गया और अभी ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हमने क्या करना है, ओपन आइस गेट। आइस गेट हमें ओपन कर लिया। ओके, उसके बाद जब भी आपको सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा और रजिस्ट्रेशन के लिए डिजिटल की ज़रूरत नहीं है, पर रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको जब भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगा तो उसको डिजिटल की के थ्रू डिजिटल सिग्नेचर करके ही अपलोड करना है। तो आप चाहे तो पहले डिजिटल की ले लीजिए उसके बाद में रजिस्ट्रेशन कीजिए। अगर डिजिटल की नहीं है और आपको रजिस्ट्रेशन करना है तो आप सिंपली यहाँ पे जाइए, सिंपलीफाइड रजिस्ट्रेशन यहाँ पे ओपन कीजिए। आपको सिर्फ अपना आईसी डालना है, जीएसटी नंबर डालना है और कैप्चा डालना है। वो जैसे आप डालेंगे तो आपके मोबाइल पे ओटीपी आ जाएगा, जिस जो मोबाइल रजिस्टर है या जो ईमेल रजिस्टर वहाँ पे ओटीपी आ जाएगा, साइन इन हो जाएगा और आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। ओके, ये रजिस्ट्रेशन कोई भी कर सकता है, जो एक्सपोर्टर अभी बने हैं, जिसके पास आईसी है और जो ऑलरेडी एक्सपोर्ट करता है। अभी जो नया रूल आया है उसके मुताबिक आपको हर अप्रैल टू जून मंथ में आईसी एक बार अपडेट करना जरूरी है। मतलब कि आपका आईसी एक्टिव है ऐसा आपको कंफर्म करना जरूरी है, वरना वो डीएक्टिव हो जाएगा। ठीक है, तो आपको याद रखना है हर फाइनेंशियल में अप्रैल टू जून मंथ में एक बार आपको आईसी जरूर कंफर्म करना है। अगर कुछ अपडेट करना है तो आप उस टाइम पे अपडेट भी कर सकते हो, पर अगर आप नहीं करते हो कंफर्म तो फिर आपका आईसी डीएक्टिव हो जाएगा। ओके, एक बार आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर लोगे उसके बाद आपको वापस बैक जाना है। ओके, और आपको लॉग इन करना है यहाँ पे। ठीक है,
फिलहाल आपको दिखाने के लिए मैं मेरा यूजर आईडी एंड पासवर्ड डाल देता हूँ। ओके, जैसे ही आप लॉगिन कर लोगे, ठीक है, और जिसके पास आईसी है वो प्लीज डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन यहाँ से भी कर सकते हैं। आपके पास डिजिटल की है, ओके, एक तो आपको रजिस्ट्रेशन के बाद आपको लॉगिन यहाँ करना है, और जिसके पास डिजिटल की है वो यहाँ से साइन अप नाउ में जाके रजिस्ट्रेशन कर सकता है। ठीक है, यहाँ से आप चालू कर सकते हो, आपको रजिस्ट्रेशन कर सकता है। पर मेरी मानना यही है, मेरा मानना यही है कि डिजिटल की आ जाने के बाद ही आप रजिस्ट्रेशन करें तो अच्छा रहेगा। पर फिर भी आप कुछ भी देखना चाहते हो, रिपोर्ट वगैरह कुछ भी नॉर्मल सा, तो आप सिंप्लीफाइड रजिस्ट्रेशन मैंने जो दिखाया वहाँ पे लॉग इन करके रजिस्टर करके और यहाँ पे लॉग इन करके आप अपना रिपोर्ट वगैरह देख सकते हैं। चलिए तो आगे चलते हैं। आगे फिलहाल अभी मेरे पास मेरा यूजर आईडी एंड पासवर्ड है, तो मैं यहाँ पे लॉग इन कर देता हूँ। आप जैसे ही लॉग इन करेंगे तो आपको यहाँ पे ये मेरा एक्सपोर्टर का जो है वो लॉग इन नहीं है, पर आप लोग जब एज ए एक्सपोर्टर लॉग इन करोगे तो आपको यहाँ पे ये जो मेनू दिखा है यहाँ पे नीचे एक बैंक अकाउंट मैनेजमेंट करके आपको आएगा टैब, तो आपको वहाँ पे क्लिक करना है। ये मेरा अभी एज ए एक्सपोर्टर मैंने लॉग इन नहीं किया हुआ है, तो आप जब भी एज ए एक्सपोर्टर लॉग इन, यहाँ पे एक बैंक अकाउंट मैनेजमेंट करके टैब आएगा, वो क्लिक करना। क्लिक करने के बाद आप वहाँ पे सिलेक्ट ऑथराइज डीलर कोड रजिस्ट्रेशन सिलेक्ट करना। जैसे आप बैंक अकाउंट मैनेजमेंट टैब वहाँ पे क्लिक करोगे तो आपके पास दो ऑप्शन आएगा, एक ऑथराइज डीलर कोड रजिस्टर करने का और एक प्रमोशनल आपका ड्रॉबैक अकाउंट रजिस्टर करने के लिए जो बैंक अकाउंट रजिस्टर करते हैं वो आएगा। उस पर से आप ऑथराइज डीलर कोड रजिस्ट्रेशन सिलेक्ट करना। वो सिलेक्ट करने के बाद आपकी डिटेल डालने के बाद आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है थ्रू ई संचित आफ्टर लॉग इन। तो मतलब आप लॉग इन कर लोगे ना तो देखो यहाँ पे आता है ई संचित, तो आपको करना है ई संचित। पर जब ई संचित का मतलब क्या हो गया, गवर्नमेंट एक पोर्टल बनाया है, कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड, एक लाइब्रेरी होगी यहाँ पे आप डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हो। और जैसे ही आप अपलोड करोगे, सपोज कि आपने अपने यहाँ पे आईसी अपलोड किया, तो आपकी फाइल के नेम के नीचे यहाँ पे आईसी आ जाएगा, उसका एक डीआरएन नंबर आ जाएगा, एक आरएन नंबर आ जाएगा, और डिजिटल साइन यहाँ से आप सबमिट करोगे, डिजिटल सिग्नेचर आपने साइन किए कि नहीं वो वेरीफाई हो जाएगी। उसके बाद आपको वो वहाँ पे आपको वो डॉक्यूमेंट में आपका आईसी का नाम लिखना है, आईसी का कोड लिखना है, और डीआरएन आईएन नंबर वो आपको वहाँ पे मेंशन करना है अपलोड करने के टाइम। तो जैसे आप अपलोड करके सबमिट करोगे तो आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और आपका आईडी को रजिस्ट्रेशन भी हो जाएगा और आपका शिपिंग बिल नंबर और बिल ऑफ एंट्री नंबर दोनों जनरेट होना चालू हो जाएगा। तो ऐसे ही करते हैं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। हाँ, उसके लिए आप सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में आपको क्या चाहिए, तो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में आपको चाहिए बैंक ऑथोराइजेशन लेटर फॉर्मेट, यहाँ पे मैंने अटैचमेंट किया हुआ, आप यहाँ पे क्लिक करके इसका फॉर्मेट आप ले सकते हो। कॉपी ऑफ आईसी, कॉपी ऑफ जीएसटी, कॉपी ऑफ पान कार्ड लेटर और कॉपी ऑफ पान कार्ड ऑफ कॉपी ऑफ पान कार्ड ऑफ ऑथराइज सिग्नेटरी, मतलब आपको कोई भी ऑथराइज करता है आपका डायरेक्टर तो उसका पान कार्ड, ओके, तो और कॉपी ऑफ कैंसर चेक कॉपी, इतनी चीज़ें आपको वहाँ पे अपलोड करनी है। ओके, उसके बाद ये अपलोड करने के बाद आपको आपके बैंक को बोलना है कि वो देखिए होते से ले जाए एनओसी फ्रॉम देयर ब्रांच ईमेल डायरेक्ट टू द ईमेल आईडी और योर कस्टम सेशन। तो आपकी ब्रांच वाली जो ईमेल आईडी है, जो ब्रांच बैंक की जो ईमेल है, उनको बोलना है कि प्लीज रजिस्टर करने के लिए आप अपना जो कस्टम हाउस होता है उसका जो आईटी सेक्शन होता है उसके ईडीआई सेक्शन में मेल कर दीजिए रजिस्ट्रेशन करने के लिए। अभी फिलहाल नावा सेवा में ऐसा चालू हुआ है, नावा सेवा में ऐसा ज़रूरी है मेल करना, पर फिलहाल मेरे ख्याल से ये ऑप्शन बहुत ही जल्द हट जाएगा। आपको सिंपली जो भी है अपलोड करना है डीआरआईएन नंबर और आपका आईडी को रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। तो इस तरह से आप यहाँ पे जाके अपना बैंक अकाउंट ऐड कर सकते हो, ऑनलाइन रजिस्टर कर सकते हो और आगे आप एक्सपोर्ट के लिए शिपिंग बिल नंबर और इम्पोर्ट के लिए बिल ऑफ एंट्री नंबर जनरेट कर सकते हो।
तो आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा। और आप चाहे तो अगर आपको कंटेनर्स और वेसल के फ़ोटो अच्छे लगते हो तो आप हमारे इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर सकते हो। ये हमारा इंस्टाग्राम पेज है, और जो लोग चाहते हैं कि हमारे साथ व्हाट्सएप के थ्रू जुड़ना चाहते हैं तो आप टाइप कीजिए EIIBLN, सेंड कर दीजिए 7878321024 पे। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको आज के वीडियो में थोड़ा नॉइस आया होगा क्योंकि मेरे घर के बाहर थोड़ा कंस्ट्रक्शन का काम चालू है, तो उसके लिए आई एम सॉरी। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो एडीकोर के बारे में तो ये मेरी वेबसाइट है, यहाँ पे मैंने और भी आर्टिकल लिखे हुए हैं। एडीकोर का मीनिंग, फॉर्मेट क्या होता है, व्हाट इज़ द एडीकोर, तो आपको जाइए वहाँ पे पढ़िए, आपको सब कुछ मिल जाएगा। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल द टाइम, बाय बाय।